up on stage, Himanshu Kala, overall coordinator of Tech Pies, to present a bouquet and a token of gratitude to Miss Yami Gautam. Yo guys! Claps guys, claps! Thank you so much guys for being such an amazing and patient audience for me. And call me more often, yeah, this was quite fun. I really enjoyed it. Thank you, thank you, thank you, thank you, and I love each one of you. Thank you so much, Anna ma'am, for being here with us today. बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड दैट आई आई टी बॉम्बे टेक फेस्ट इन्वाइटेड मी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द इनिशिएटिव कॉल्ड स्पीक स्टैंड फॉर योरसेल्फ राइट. एंड बहुत ज़रूरी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में बात की जा रही है. इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं अभी सिर्फ शुरुआती दौर पे है. बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, आजकल जिस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, इनकी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वी डील विद अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, बट नोबडी टेल्स अस कि दैट एवरीबडी टेल्स अस कि बहुत प्रेशर है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट नोबडी टेल्स अस दैट हाउ टू डील विद दैट प्रेशर. Because it's a human mind after all. If you don't, we don't know how to channelize it, I think it'll explode, it'll burst, and that's why we some people take really extreme steps. So it's very important ki is tarah ki awareness ho mental illness ko leke ki ye koi taboo nahi hai. It's very very human to feel certain emotions aur ye mental illness kisi bhi form mein ho sakta hai. It could be in depression, it could be some mood swings, it could be anxiety, it's just a matter of speaking up. I could be going through it, but shayad main baat nahi karungi, par mujhe nahi pata ki shayad he's also going through a similar thing. So what better way to talk and share and reduce the burden, and there is no harm in also taking medication if required. It's not a taboo, it's not some problem jisko are ye problem ho gaya isko to ye to matlab it's totally incurable, aisa kuch bhi nahi hai. It's a human mind. It's very sensitive. तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, ताकि if it affects the youth, it's gonna affect the country. Because to have a healthy country, you need to have healthy minds. And if IIT, I'm glad that IIT Bombay, I think they believed in this initiative, and I hope that they'll carry on this. Yes, because if they speak, it really adds a lot of credibility to it. So thank you for having me here. Thank you, ma'am. देखिए, स्ट्रेस भी कई बार अच्छा होता है. ऑफकोर्स हमारे भी, हम जब बोर्ड एग्जाम्स देते थे, स्ट्रेस तो ऑफकोर्स होता था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर पेरेंट्स मोर देन स्टूडेंट्स टू रियलाइज कि आप ज़रूर एक एक्सपेक्टेशंस हर किसी को होती है अपने बच्चे से, या आपको भी खुद से होती हैं कि ये मैंने सोचा था, ये तो मुझे करना ही करना है. बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेल देम द बॉर्डर लाइन कि अगर ये होता है बहुत अच्छी बात है, पर नहीं होता है तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी. आपको तब भी, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल गेट अ चांस टू रिडीम योर सेल्फ. हो सकता है एकेडमिक्स में नहीं, पर किसी और फील्ड में जिसका आपका इंटरेस्ट है, कुछ तो होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक जो डायलॉग है बिटवीन अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट टू बी देयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं तो चलो स्ट्रेस फ्री हूँ, स्ट्रेस हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है. दैट मैंने ये सोच रखा है कि अगर तो मतलब इतना प्रेशर है फैमिली से, इतने तो लाने ही हैं, मार्क्स नहीं आए तो मतलब मैं घर ही नहीं जाऊँगी, या घर से भाग जाऊँगी, या आऊँगी नहीं वापस. दैट शुड नॉट बी देयर. नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. माई पेरेंट्स आर डैम स्वीट और मेरे नंबर भी अच्छे आते थे मैथ्स को छोड़ के, बट ऐसा कभी नहीं हुआ. बट ऐसा हम लोग देखते हैं आमतौर पे, ऐसा कई बार हो जाता है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी दे शुड बी अ डायलॉग. स्टेज की बात करें, बच्चे गुल मीठा चैनल किसी सब्जेक्ट पे लगभग दिख रही है ट्रेलर को देख के, तो क्या कहना चाहेंगे? सब्जेक्ट वही है, सिमिलर लग रहा है थोड़ा मोड़ा. सिमिलर किससे? यही स्ट्रेस को लेके जो
मर्डर मिस्ट्री जो भी है। हाँ मतलब स्ट्रेस तो हो रहा है, देखा जाए तो करप्शन, स्ट्रेस तो मतलब वही बोला, अपनी जगह सबका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, हर जगह अपनी बनाई लेता है, आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। पर ऑफकोर्स बते की बात की जाए तो सिर्फ आई थिंक कुछ ही घंटे दूर है, ऑलमोस्ट लेस देन 48 आवर्स फ्रॉम द रिलीज, सो ऑफकोर्स आई एम स्ट्रेस, बट इट्स अ हैप्पी स्ट्रेस, आई एम नर्वस, आई एम लिटिल एंग्शियस, बट इट्स अ हैप्पी वन, बिकॉज हम लोग अपना जो काम बेस्ट हो सकता है हम कर चुके हैं, रेस्ट इज ऑल अप टू द ऑडियंस, गाइज वॉच इट, ओके। सो फाइनली मैम देखा जो तो मूवी कोई मैसेज दे रही है ये मूवी आपकी जुड़ी, और प्लस कैसे सोच बदलेगी लोगों की, ये आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते। सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम है, ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कोई बदलाव लाएगी ही लाएगी, पर ये है कि एक बात शुरू हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर अभी मतलब हर किसी को एवरी टाइम वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, बट तो जहाँ ज़रूरतें हैं वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी ज़रूर होता है, हर एक लेवल पे होता है, एंड स्पेशली जो कॉमन मैन है वो कैसे सफ़र करता है बिकॉज ऑफ दैट। तो एक सोशल ड्रामा पे ऑफ कोर्स एक फिल्म है, बट उसमें एंटरटेनमेंट भी है, यू नो दिस गाना ऑल्सो, दिस मस्ती एंड मजाक ऑल्सो, सो कोई भी बात अगर आई थिंक हंसते खेलते हुए की जाए तो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, सो द अटेम्प्ट इज दैट, बाकी लेट्स सी। For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app, Movie 9 PM.